गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अरे अभिनंदन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। सोनिया गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। सोनिया गांधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो इटली से आकर के यहाँ पर रह करके राज कर रही हैं, और आज जो कांग्रेस की मानसिकता है, इस तरीके की मानसिकता कि देश जो है उसको राज्य के स्तर पर बांटने का कोशिश कर रही है। पिछले बार भी जब मध्य प्रदेश में सरकार बना था कमलनाथ का, तो आपने देखा कि किस हिसाब से उन्होंने उत्तर भारतीय के ऊपर इतना खराब टिप्पणी किया था। तो अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगना होगा और उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षिका है सोनिया गांधी, उनको भी इस्तीफा देकर के इटली जाना चाहिए, बाल बच्चा के साथ में इटली चले जाए। जब राज्य को बांटने का अगर उनका मानसिकता है, जब राज्य को बांटने का उनका मानसिकता है कि गुजरात का आदमी दिल्ली नहीं रह सकता है, दिल्ली का आदमी पंजाब नहीं रह सकता है, तो वो चले जाए छोड़ करके देश, क्योंकि आप इस देश के नहीं है। यही कहना है कि वो माफी मांगे, जुड़ते और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सोनिया गांधी सबसे पहले घुसपैठिया है, वो कहती है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आके और अमित शाह गुजरात से आके दिल्ली में बस गए हैं। और ये पूछिए कांग्रेस वाले से और सोनिया गांधी जी से कि वो इटली से 60 वर्ष से यहाँ रहती हैं, वो क्या वो घुसपैठिया नहीं है? और मेरा देश क्या, मैं बिहार से दिल्ली जाऊंगा तो मैं घुसपैठिया हो गया? आप जाइएगा तो क्या घुसपैठिया हो जाइएगा? ये बताइए, नहीं एकदम सोनिया गांधी देश छोड़े। उनका उनका कहन उनका है कि फूट डालो, शासन करो, सत्ता में रहो। सोनिया गांधी जी का ये है डेमोक्रेटी। तो क्या माफी मांगना चाहिए? क्या माफी मांगू? देखिए, मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह हुआ। देखिए, कहना ये है कि जिस तरह की कांग्रेस की राजनीति करने की जो परिभाषा है वो बिल्कुल ही ओछी मानसिकता की है। वो राज्य को भी बांटने का काम करती है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हम पे शासन किया ये कहकर कि फूट डालो राज करो, उस तरह से सोनिया गांधी भी फूट डालो राज करने की राजनीति पे आ गई है। उन्होंने कांग्रेस के पप्पू को भले बदल दिया है, लेकिन दूसरे पप्पू को जरूर बैठा दिया है, अधीर रंजन चौधरी। आप देखिए, जब भी वो संसद में बोलते हैं तो वो बोलते बोलते अपने शब्दों की गरिमा को पार कर जाते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी भारत के अंदर हम लोग रहते हैं और भारत के अंदर रहने वालों को भी वो घुसपैठी कह देती है, तब तो वो गलत है, ठीक। जबकि वोट बैंक को लेने के लिए उन्होंने बांग्लादेश से आदमियों को बसाया, बंगाल में बसाया, बिहार में बस गए हैं, तो इन लोगों को निकालने की काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो उनको करने देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से डेयरिंग डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी लेते हैं, ये लोगों के काल में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अधीर रंजन चौधरी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और जनता के सामने अपनी बातों को ठीक से रखना चाहिए। तो देखा, इनका साफ तौर पे कहना है कि सोनिया गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। और यहाँ पे जो देख सकते हैं, अभी सोनिया गांधी का इन्होंने पुतला दहन किया और बोला कि जो सोनिया गांधी खुद बाहर से आके बसी है और जो देशवासी है उनको बाहर का घोषित कर रही है, इसी को लेकर सोनिया गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। सहयोगी आनंद के साथ मैं प्रेम, न्यूज़ फॉर भारत, पटना।